लेकिन कभी कभी हमने देखा होगा कि अचानक से खट्टी डकारें आने लगती है। कई बार एसिडिटी के साथ सीने में जलन और मुंह का टेस्ट कड़वा कर देने वाला फ्लूइड गले में आने लगे तो हालत बहुत खराब कर देता है। लेकिन ये होता क्यों है? ज्यादा खाने से, कम खाने से, चाय कॉफी पीने से या फिर पानी ना पीने से? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज हम गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से बात कर लेते हैं। उनसे जानेंगे कि इस दिक्कत की वजह क्या है, क्यों अब लोगों में हाइपर एसिडिटी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, साथ ही जानेंगे इसका इलाज और इसका बुरा इम्पैक्ट क्या है। क्या होती है हाइपर एसिडिटी या खट्टी डकार? हाइपर एसिडिटी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को एसिड सेंसेशन हो रहा है। हमारे पेट में नेचर ने एक एसिड की फैक्ट्री बनाई है। हम सब के पेट में एसिड का निर्माण होता है। एसिड हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही एसिड जब हमें एसिडिटी के सिम्टम्स पैदा करता है, जैसे जलन होना, छाती में जलन होना, तो हम इसको हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। आम लोगों के लिए हाइपर एसिडिटी और खट्टी डकार आना एक ही मतलब है। खट्टी डकार के आने का क्या कारण है? खट्टी डकार उन लोगों को आती है जिसमें एसिड जो बनता है हमारे पेट में वो हमारी छाती की तरफ उछलता है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो हमारे एक वेल्व दिया है भगवान ने हमारे खाने के नली और स्टोमक के जंक्शन पर, ये एक दरवाजे की तरह है जो एक ही तरफ खुलता है, पर अगर इसमें कोई विकार आ जाए और ये खुला रह जाए तो स्टोमक का जो एसिड है वो सारा का सारा हमारी फूड पाइप में उछलता है और एसिडिटी जलन पैदा करता है। खट्टी डकार आने पर शरीर के अंदर क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमारे स्टोमक में एसिड का निर्माण होता है और हमारे खाने की नली और स्टोमक के जंक्शन पर एक वेल्व है जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं और ये एक तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरह होता है। जब हम खाना खाते हैं फिर ये वेल्व खुल जाता है और हमारा खाना आसानी से पास हो जाता है और फिर ये बंद हो जाता है, पर अगर ये खुला रह जाए तो स्टोमक में जो एसिड बनता है वो उछल उछल कर हमारे खाने की नली में आता है और वहाँ पर एक तेजाबियत या एसिडिटी या खट्टी डकारों के रूप में हमें तंग करता है। क्या खट्टी डकार आना कैंसर का भी एक लक्षण है? देखिए, खट्टी डकार आना अमूमन तौर पर कैंसर का लक्षण नहीं है। ये सिम्टम इतना कॉमन है, ऐसा नहीं कि जिसको खट्टी डकार आती हो उसको कैंसर का शक होना चाहिए। बट हाँ, उन लोगों में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 साल की उम्र उनकी ऊपर है, स्मोकिंग वगैरह करते हो और उनमें कुछ ऐसे सिम्टम हो जैसे खाना अटकना, भूख खत्म हो जाना, वेट का कम हो जाना, लगातार चेस्ट में पेन होना, उन पेशेंट्स को ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी कैंसर के सिम्टम्स भी एसिडिटी के रूप में आ सकते हैं और इस सिचुएशन में उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। खट्टी डकार से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें? खट्टी डकार का मतलब है एसिड रिगर्जिटेशन और बहुत सारे हम लोग सावधानियां बरत सकते हैं जिससे ये हमारी तकलीफ कम हो या हमारी तकलीफ ठीक हो जाए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तुरंत स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। अल्कोहल का सेवन बंद कर देना चाहिए। अननेसेसरी मेडिसिन जैसे सर दर्द की मेडिसिन, बदन दर्द की मेडिसिन जो कई बार हम लोग अमूमन तौर पे खाते रहते हैं और उसके बाद पानी भी नहीं पीते, ये बंद कर देनी चाहिए। हमेशा खाने के टाइम पर लाइट खाना खाएं, ठूस ठूस के खाना ना खाएं, तली हुई चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें का सेवन अवॉइड करें और अपने घर में किसी भी एंटीसिड की एक शीशी को रखिए। जब भी आपको कभी ऐसा तकलीफ हो तो आप 2 चम्मच एंटीसिड पी सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए खाना खाने के बाद तुरंत ना लेटें, थोड़ा सा वॉक करें, इससे भी हमारे खट्टी डकारों की प्रॉब्लम मिनिमाइज होती है।
इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल आईडी n24such@gmail.com पर सेंड करें।